वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर अश्विनी गुप्ता आज एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हैं क्लास 9th के लिए। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था मोशन के बारे में, वी हैड अ डिस्कशन अबाउट द मोशन, दैट मोशन इज डिफाइंड एज वैन एवर द बॉडी इज मूविंग, वैन एवर द बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज रिफर्ड एज मोशन, राइट। तो लास्ट टाइम पे जो हमने पढ़ा हुआ है, आज हम उसी को आगे मॉडिफाई करते हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके आगे हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, लेते हैं पहला क्वेश्चन हम, कुछ एमसीक्यूज। द फर्स्ट क्वेश्चन इज मोशन इज सेट टू बी आ, आप जवाब दें मैसेज में, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि मोशन इज सेट टू बी अ रिलेशन, रिलेटिव, चेंजिंग एंड नॉन, नन। सोचते रहें, फिर मैं आपको जवाब बताता चलूंगा। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन इन मोशन द बॉडी चेंजेस इट्स डैश विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इज इट साइज, शेप, पोजिशन एंड नो चेंज। द थर्ड वन वी आर हैविंग, एन ऑब्जेक्ट मे अपीयर्स टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड डैश 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 अनदर पर्सन, स्टेशनरी मोशन, चेंजिंग रिलेशन। तो जहां तक मैं समझ सकता हूं, अभी आपने जवाब दे दिया होगा, और जिन्होंने भी जवाब नहीं दिया है तो जवाब दें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मोशन इज सेट टू बी अ, तो मोशन क्या होगा बेटा, इट विल बी द रिलेटिव, राइट, इट विल बी रिलेटिव, ओके, मोशन विल बी रिलेटिव। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, इट विल बी रिलेटिव। व्हेन इन मोशन द बॉडी चेंजेस इट्स डैश डैश डैश, दैट इज पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, दैट इज पोजिशन। व्हेन द बॉडी इज इन मोशन देन द बॉडी चेंजेस इट्स यू नो पोजिशन। एन ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर अनदर पर्सन, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट नो मोशन इज रिलेटिव, राइट। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक दैट अर्थ इज स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ अपनी एक्सिस पर लगातार घूम रहा है। अब अपन अर्थ के ऊपर बैठे हुए, हम भी घूम रहे हैं, हमें लगेगा कि भाई चलो ये कैमरा क्या है, स्टेशनरी है। मैं ये बोर्ड क्या है, स्टेशनरी है। लाइट क्या है, स्टेशनरी है। बट कोई एस्ट्रोनॉट जो बाहर है, अर्थ की फील्ड से बाहर है, जब वो वहां से ऑब्जर्व कर रहा होगा क्या होगा, ये पूरी अर्थ घूम रही है और अर्थ के ऊपर बैठा हुआ हर व्यक्ति घूम रहा है, हर व्यक्ति मोशन में है। तो यहां पर वही बात की जा रही है कि ऐसा पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट जो कि किसी के लिए मोशन में अपीयर हो सकता है, तो किसी दूसरे के लिए स्टेशनरी भी अपीयर हो सकता है। गॉट इट। चलो भाई देखते हैं आंसर्स अपने, हम चेक करें अपने आंसर्स। और भाई चेक करो अपने आंसर्स। पहला आंसर, वेट, यस, पहला आंसर रिलेटिव, दूसरा आंसर दैट इज पोजिशन, और तीसरा आंसर स्टेशनरी। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग कुछ डेफिनेशंस लेते हैं थ्योरेटिकल। डिफाइन मोशन, पहला क्वेश्चन कहता है भाई डिफाइन मोशन, मोशन कैसे डिफाइन होगा बताओ मुझे, मोशन कैसे डिफाइन होगा। मोशन ऐसे डिफाइन होगा, देखो जरा कैसे होगा। तीन क्वेश्चन लेते हैं, मोशन डिफाइन रेस्ट, एक एक के आंसर की बात करते हैं। मोशन, सो जब हम बात करेंगे मोशन की, तो मोशन क्या होगा, अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन, इफ इट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्टिव टू इट्स सराउंडिंग, राइट, देन द बॉडी विल बी कंसिडर्ड एज इन मोशन। सेकेंडली वी आर हैविंग दैट इज Define rest, then we are having another thing that is define relative. So, whenever we are talking about this define rest, rest means a body is not changing its position with respect to surrounding, like suppose I am stationary here, right? Now, according to the change in the time, I am not going to change my position, that is rest. So, if the body is not changing its position, not changing its position, then this is called rest. And what is relative? A body can be moving for one observer and at the same time it can be rest for the another observer, that is the motion is relative, right? तो ये कुछ बातें हमने कर ली, अब आज हम कुछ नया पढ़ लेते हैं, है ना। चलो भाई नया पढ़ते हैं कुछ।
तो नया पढ़ने के लिए एप्लीकेशन फटाफट इंस्टॉल कर लीजिए, ई पढ़ाई। तो आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म? आप देखो मैंने क्या हुआ है, मैंने एक यूनिफॉर्म पहना हुआ है, राइट। तो जो आपका मोशन होता है ना, ये मोशन दो तरीके का होता है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको क्या बला है यार, क्या टेंशन है, कैसे समझा जाए? तो सिंपल सी बात, मैं आपको दो एग्जांपल बताता हूँ, फिर हम टॉपिक पर आते हैं। अपन जब पापा के साथ बाइक पे चलते हैं या कार पे चलते हैं, बचपन में आपने देखा होगा, तो पापा आपकी गाड़ी को ना बिल्कुल कॉन्स्टेंट स्पीड से चलाते हैं। सड़क खाली हो कोई मतलब नहीं, 40 पे चलना है तो 40 पे चलना है, 45 पे चलना है तो 45 पे चलना है। दैट मीन्स पूरे जर्नी में आपकी स्पीड कॉन्स्टेंट है, स्पीड बदल नहीं रही है। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। सो हाउ कैन वी डिफाइन द यूनिफॉर्म मोशन? वी कैन डिफाइन इफ अ बॉडी इज हैविंग अ कॉन्स्टेंट स्पीड, दैट मीन्स इफ द बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। एंड इफ द बॉडी इज नॉट हैविंग कॉन्स्टेंट स्पीड, जैसे किसी दिन आपको बाइक मिल गई, जाओ घूम के आओ, अब अपन मोहल्ले से चौराहे तक मतलब हर जगह हमारी स्पीड बदल रही है। सो व्हेन द स्पीड इज नॉट कॉन्स्टेंट, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। व्हेन द स्पीड इज कॉन्स्टेंट, दैट इज यूनिफॉर्म। गॉट इट? चलो भाई समझने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड बेसिकली मोशन। लेट मी यू नो कंक्लूड दिस वन। सी द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो दैट इज वॉट, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। Got it? Well, next one, whenever we are moving for the non-uniform motion, let us try to understand about these things. The motion in which the object covers an equal distance in equal interval of time, that is called non-uniform motion. That means, अगर एक ही interval of time लेकर चलें, लेकिन speed के वजह से अगर आप unequal distance travel कर रहे हो, मान लो पहले 5 second में आपने 10 meter travel करा, first 5 second, right? और माइट बी पॉसिबल कि अगले 10 सेकेंड में या अगले 5 सेकेंड में अब आपने 25 मीटर ट्रेवल कर लिया। सो फॉर द सेम इंटरवल ऑफ टाइम यू हैव कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस, सो दैट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दैट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल देखते हैं भाई हम यहाँ पर। दिस इज अ फ्लाइंग बर्ड्स, दे आर हैविंग द यू नो वी कैन से Wait a moment. Yes. See, here we can see a flying bird covers unequal distance and equal interval of time. And आप ये देखें ना, real में भी हम यही करते हैं। In fact, ये जो uniform motion का concept है ना, ये realistic में बहुत कम आपको देखने को मिलता है। जब भी हम bike चलाते हैं, car चलाते हैं, या दौड़ते हैं, या cycles चलाते हैं, जब भी हम motion की बात करते हैं in our practical life, तो definitely हम वहाँ पर non-uniform motion की ही बात करते हैं, right? तो ये आपका हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन। गॉट इट? यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई ही सभी को? तो अगर यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं तो चल इसके आगे हम लोग बात करते हैं, राइट। चलिए इसके आगे देखा जाए तो देखते हैं क्या है भाई हमारे पास इसके आगे। नाउ
अगर हम एक्सेलरेशन के टर्म में बात करें, सिंस वी विल डिस्कस दिस एक्सेलरेशन लेटर ऑन, बट वैन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन, तो इन दिस केस द एक्सेलरेशन विल बी जीरो. एक्सेलरेशन नहीं होगा तो गाड़ी की स्पीड में बदलाव नहीं होगा. इफ द एक्सेलरेशन इज जीरो, दैट मीन्स द बॉडी विल मूव विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. वेयर एज इफ वी आर हैविंग some acceleration, so the body will be non-uniform motion. The body will be in non-uniform motion, right? ये चीज़ें ध्यान से समझने वाली बात हैं. Acceleration zero हो गया, that means velocity is constant. और अगर acceleration zero नहीं हुआ तो velocity is not constant. Either the body will be accelerating, that means if the speed is increasing, the body is accelerating. If the speed is decreasing, that the body is retarding or decelerating, right? So these are the points what we are having for the uniform motion and non-uniform motion. Got? Now, identify the type of motion. We are given some examples for the uniform motion and the non-uniform motion. See, like this one. The electrons that are orbiting this particular, you know, nucleus, basically, this kind of motion is what? It is basically a uniform motion, right? Because these electrons are continuously revolving around this nucleus in a fixed orbit with a fixed speed, right? Equal distance in equal interval of time. That is another example we can have, that the train that is moving. So this train will be the arriving or leaving the station. So if I say at this time this is a non-uniform motion, because whenever it is going to arrive it will reduce its velocity, but whenever it is going to leave the station it will increase the velocity. So it is a non-uniform motion, right? So, till now we have discussed about the uniform motion and non-uniform motion, and I hope that you have enjoyed this video. So, आज के लिए इतना ही. छोटी छोटी मगर कहते ना, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, छोटा छोटा टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत कम समय में पढ़ेंगे. क्लियर है? तो आज के लिए इतना सफिशियंट है. आज इस चीज़ को यहीं पे एंड अप करते हैं. जिन्हें भी अच्छा लगा हो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा आप इसको वायरल कर सकते हैं वायरल करें. थैंक यू वेरी मच. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.